रब के सामने सिद्धा दिया करे। वो बादशाहों का बादशाह दिन में 5 दफा आपको बुलाता आ तो सही। कासिम मजीद साहब जनाब इसलिए अपनी गड्डी च बैठे हुए उन्होंने मुलाकात का सिलसिला जारी है। Tens of thousands of innocent people have been killed and displaced, yet the world has learned nothing. काफी पाकिस्तान तो यूके तो ओवरसीज काफी लोग आए हुए है तक ही सकना जनाब जो है पैसा लेके आते हैं बाहर से उन्हें यकीनन उनकी तोकवात ये होती है कि पैसा हम बाहर से लाए तो कारोबार करने के लिए हर तरह की सहूलियात हमें मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल जनाब? ठीक हो? सेहत भी जनाब भी ठीक है? उम्मीद है कि तुम सारे ठीक ठाक हो और अपनी जो जिंदगी है ऐसे अंदाज़ में गुजारने हो। अज जनाब कुत्ता ऐसा आए हुए जनाब जट्टी टेड़ियाँ क्रॉस इतने तुम्हें पता पेट्रोल पंप डिस्की और बट कढ़ाई की ग्रैंड ओपनिंग है जैसा कि तुम थोड़ी क्लिप में सके हाईलाइट्स दसा इंशाल्लाह और इतना बाहर का तकरीर सिलसिला जारी है और अज ही ग्रैंड ओपनिंग इन्हें त्रै जितना भी बिजनेस है उसकी अज ग्रैंड ओपनिंग है। अस इत आए हैं तो जनाब तुम चैनल पर नवे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी करी ओड़ो इन शाला इतने विजिट भी किया उसने उसको इतने ही पेट्रोल पंप भी है इतने डिस्की भी है और इतने ही बट कढ़ाई है और इन शाला तुम इतने अच्छो इंजॉय करो। ग्रेट ओपनिंग है अज बड़ा मजा आ रहा है काफ़ी रश है तुम्हें दसने थोड़ी देर बाद सारे नज़ारे चैनल पर ना रहे सब्सक्राइब लाइक शेयर लाजमी करी चलो जुड़े हैं तकने क्या कुछ सुनते हैं। फाइनली जनाब अस पहुंची चुके हैं जनाब इतने अज ग्रेट ओपनिंग है जनाब बट कढ़ाई नहीं है इतने की सकने जनाब अपने कासिम मजीद साहब जनाब इसलिए अपनी गड्डी बैठे हुए हैं उन्होंने मुलाकात का सिलसिला जारी है और काफ़ी रश है इतना इसलिए जरा गर्मी है इतने की सकने जनाब जबरदस्त जनाब काफ़ी आवाम आई हुई है इतना जनाब इसलिए चलो मुलाकात करते हैं। उम्मत बने तभी कामयाबी होगी और बहुत मोटिवेट हमें करते हैं तो आप कुछ कहना चाहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मुहम्मदिन नबीय उम्मी व आलिहि वसल्लम तस्लीमा। सबसे पहले तो मैं नदीम को और इनकी पूरी टीम को शाबाश देता हूँ कि बड़ी मेहनत करके उन्होंने यहाँ पे ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगाया है और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक इनको कामयाब करे। मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी ये इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट उन्होंने की है तो अब हमारा भी हक बनता है कि हम इनके बिजनेस को चलाएं। उससे फायदा क्या होगा? जब लोग देखेंगे कि नदीम कामयाब हो गया है तो बाकी लोग भी आपके इलाकों में आके इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे इलाका बहुत तरक्की कर जाएगा। सो इसलिए आप लोगों से दरखास्त है कि इस बिजनेस को चलाने में आगे इसको लेके जाने में आप सबकी हमें ताउन चाहिए होगा और दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इनके बिजनेस में बरकतें डाले और उसके हलाल अता फरमाए और अल्लाह पाक आप सबको हिस्सो मान रखे। एक बात कहूंगा दोस्तों कि ये सारे काम ये सारे धंधा कारोबार मेरे रब की अता है। उसने हमें क्या कुछ अदा किया है हम सोच भी नहीं सकते हैं इसलिए उसका शुक्र अदा किया करें और सबसे अच्छा तरीका शुक्र अदा करने का कि अपने रब के सामने सिद्धा दिया करें। वो बादशाहों का बादशाह दिन में 5 दफा आपको बुलाता आ तो सही मेरे से बात कर क्या प्रॉब्लम नमाज मोमिन की मराज है कि बातचीत करवाओ। तो आपसे दरखास्त है जहां दुनिया के निजाम की खातिर हम सब कुछ करते हैं वहां अल्लाह को राजी करने के लिए भी अपने नमाजों की पाबंदी करें। मैं बहुत बड़ा एक शकूक शबात और कंफ्यूजन पाई जाती है वो ये है कि यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी इस्टेब्लिशमेंट है वो चलने नहीं देती लेकिन मैं ये एडिशनल हमारे कमिश्नर साहब की मौजूदगी में कहना चाहता हूँ कि मुझे इस चीज़ का एक दिन भी सामना नहीं करना पड़ा। मैं समझता हूँ कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है कर्नल शराज साहब अभी तशरीफ लाए हैं हम उनको भी खुश आमदीद कहते हैं शकील अंजम साहब एडवोकेट वो भी तशरीफ लाए हैं हम उनको भी खुश आमदीद और मेरे प्यारे भाई मोहम्मद मुदस्सर साहब अरुण साहब आपको भी वेलकम ये वकील है माशाल्लाह। अच्छा मुझे इस चीज का सामना नहीं करना पड़ा। मैं तो कहता हूं कि हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है स्पेशली मीरपुर में इन्होंने तो बड़ा ताउन हमसे किया। थोड़ी बहुत जो मामलात होते हैं
वो मैं समझता हूँ कि हमें प्रोसीजर का पता नहीं होता, तो मैं ये चाहूँगा कि आप इस मौके के ऊपर ना सिर्फ उनके मोटिवेट करें बल्कि थोड़ी सी हमारी भी तारीफ करें ताकि हम खुश हो जाएं। बहुत खूबसूरत बिजनेस सेंटर एस्टेब्लिश करने पर मुबारकबाद। दूसरी मुबारकबाद मैं इनको ये देना चाहता हूँ कि इन्होंने आज की तकरीब का इत्माम उस तारीख को किया जिस तारीख को गुलामी में पिसे हुए कश्मीरियों ने आजाद हुकूमत का क़याम अमल में लाया। रियासत जम्मू कश्मीर के लोग महाराजा हरी सिंह की जालम जाबर हुकूमत के राज में तरह तरह के टैक्सेस, बुआ टैक्स था जो है पैसा लेके आते हैं बाहर से, उन्हें यकीनन उनकी तवक्कुआत ये होती है कि पैसा हम बाहर से लाए तो कारोबार करने के लिए हर तरह की सहूलियात हमें मिलेगी। फर्क मैं थोड़ा सा करना चाहता हूँ, मेरे साहब महसूस नहीं करेंगे कि आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान का निज़ाम जो है उसमें बड़ा फर्क है। यहाँ छोटी जगह आज़ाद कश्मीर ज़ाती तौर पर आम लोग और मुलाज़मीन सारे एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए उस तरह के मसाइल जिस तरह के पंजाब में बाकी पाकिस्तान में लोगों के लिए यहाँ नहीं होते। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। On suffering, darkness and trauma, tens of thousands of innocent people have been killed and displaced. Yet the world has learned nothing. The prospect of two-state solution is a distant dream, and the odds of all-out war in the Middle East is growing by the day. The unimaginable devastation has to stop. The only hope is a diplomatic solution. So can the Prime Minister show me today that the government is doing everything in its power to bring about an immediate and permanent ceasefire across the region? Yes, and we're not doing it alone. We're working with our allies in relation to it. I spoke to G7 allies last week about it. We speak constantly to the US about it because we need to de-escalate across the region. We've seen escalation in recent days and weeks, and all sides need to pull back from the brink. So, Yasin Saab, हम आपको मुबारकबाद देंगे कि जो इलेक्शन हुए यूके में उसमें आपने भरपूर कामयाबी हासिल की, और दूसरा तो आपने सबको हैरान कर दिया। हालांकि जब उनके आपको टिकट मिला था तो मैंने क्या कहा था आप ही बता दें। नदीम साहब ने मुझे फोन किया और कहते थे कि लेबर पार्टी के टिकट की वैल्यू बस के टिकट की तरह है। उसकी वजह यह थी कि मैं कंजर्वेटिव का था तो मैंने अपनी पार्टी को डिफेंड करना था, और उस वक्त कंजर्वेटिव अरुज के ऊपर भी थी, लेकिन आपने वाकई यानी हैट ऑफ, आपने वाकई कमाल कर दिया। हालांकि उस दौर में लेबर के टिकट पर जीतना बहुत मुश्किल था, तो आपके साथ अपने लोगों की दुआएं थी, माँ बाप की, और आपकी भरपूर मेहनत थी। और अब आप पार्लियामेंट में फलस्तीन के मसले पर जो है वो बड़ा बोलते हैं, मैं इसके ऊपर भी आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ, और आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और इस मौके पर आप कुछ कहना चाहें जनाब यासीन साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं नदीम साहब आपको, इमरान साहब को और आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने ये कारोबारी मरकज का आगाज किया, और इससे भी बड़ी मुबारकबाद इनको ये है कि इन्होंने यहां पर आने की हिम्मत की, क्योंकि हमारे वहां पर रहने वाले लोग यहां पर आकर सरमाया खर्च करने के बारे में सोचते भी नहीं। इसकी वजह बयान की जा चुकी है, लेकिन नदीम साहब ने, मैं इनको बचपन से जानता हूं, जिस काम के पीछे लग जाते हैं वो करके छोड़ते हैं। हम सलाके में पड़े बड़े और अगट्ठे जवान हुए, तो मुझे पूरा यकीन था कि ये इस काम को मुकम्मल करेंगे। तो मैं आपको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने ये खूबसूरत जगह का तयन किया, और यहां पर एक नहायत ही खूबसूरत ये जो बिजनेस मरकज है ये बनाया।
और हमारे लिए खुशी की यह बात है कि हम जब वहां से आते हैं हमारे जाने पहचाने वाले लोग बहुत कम रह गए, कम से कम आप यहां पर मौजूद हैं, हम आपके पास आकर ठहर सकते हैं। दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो आज योम तसीस है, आज कश्मीरियों के लिए एक बड़ा दिन है, कश्मीरियों से यकजहती का एक बड़ा दिन है। अगर मैं हाउस ऑफ पार्लियामेंट में होता तो आज हमने वहां पर मीटिंग्स करनी थी और कश्मीर को जो साथ यकजहती है उसको मनाना था। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है और आप सबके लिए बड़ी खुशी की बात यह है कि तकरीबन हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर 100 के नजदीक जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो कश्मीर के हमायती हैं, वो कश्मीर के मौकों पर कश्मीरियों की हमायत करते हैं और खुलकर करते हैं। इसका क्रेडिट किसको जाता है? इसका क्रेडिट वहां पर रहने वाले कश्मीरियों और पाकिस्तानियों को जाता है जो बार बार अपने एमपी से रब्ता करते हैं और उनको इस बात की ना सिर्फ याद दिलाते हैं बल्कि उनको इस बात पर पुश करते हैं कि आपने मसला कश्मीर का हमारे कश्मीरी की हिमायत करनी। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि उन कश्मीरियों के लिए, उन पाकिस्तानियों के लिए जो बरतानिया के अंदर है, तो जनाब इन्होंने मेन काउंटर है क्योंकि बाहर तक नहीं पता कि जनाब फंक्शन स्टार्ट है, अंदर ऐप आए खलते हुए कैसा ही ना लोगों का रिस्पांस? ठीक है, आज बट कढ़ाई भी ओपन होगी, आज बट कढ़ाई तो काफी टाइम हो गया ओपन है, आज ग्रेट ओपनिंग, ग्रेट ओपनिंग है, मुश्तरका सारे नहीं मुश्तरका जनाब के अगे बाया के ओपनिंग इधर तकना जनाब बट कढ़ाई भी इधर जनाब तकी सकने जनाब बट कढ़ाई ना जनाब सारा सिस्टम है जनाब है तकी सकने हो आज तक इन्होंने ओपनिंग है बहुत बड़ी और बाहर भी काफ़ी पाकिस्तान तो यूके तो ओवरसीज काफ़ी लोग आए हुए ए तकी सकने जनाब। अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानते हुए दुआई देता हूँ कि अल्लाह के सवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल है। मैं अपने फराइज मनसबी पूरी मेहनत दयानत खलूस और जाती पसंद व नापसंद से बालातर होकर सरंजाम दूंगा। दुकानदारों के हकूक का तहफ्फुज ना तफरीक करूंगा, किसी ऐसे काम में शरीक नहीं होऊंगा दो ताजरों के मफाद के खिलाफ हो। अंजमन ताजरान के प्लेटफॉर्म को जाती मुफाद के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा और ताजरों की फलाह व बहबूद के लिए हम वक्त कोशा रहूंगा। अंजमन ताजरान के आईन और कवायद रवाबत का पाबंद रहूंगा। अच्छा मेजर साहब, अब हम दुआ करेंगे और हमारे अंसर शाह साहब हैं वो स्पेशल केक लाए हैं, तो जब आप तक केक लाते इधर वो यार रब्बुल आलमीन भाई मोहम्मद नदीम साहब इनके जुमला रफका के रिस्क में उम्र में अमल में खैर बरकत अता फरमा, जितने भी अखबार यहाँ तशरीफ फरमा हुए तमाम की जिंदगी में आसानियाँ नसीब फरमा, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हाय मुतहरा के मुताबिक जिंदगी गुजारा नसीब फरमा। योम तासीस के हवाले से या रब्बुल आलमीन हमारे जितने भी मुसलमान आज़ादी की नेमत से मालामाल हैं उन्हें अपने मुल्क के लिए, अपनी रियासत के लिए, अपने हर इलाके के लिए बेहतरी, उसके अंदर तरक्की के और खुशहाली के काम करने की तौफीक और हिम्मत नसीब फरमा, आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद नसीब। हमारे मुसलमान बहन भाई जुल्म की चक्की में इस्तेहसाली निज़ाम के अंदर बर्बरियत का शिकार हैं, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से या रब्बुल आलमीन कुफार के पंजे जुल्म से आज़ादी जैसी नेमत से मालामाल फरमा, आलम इस्लाम को आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद नसीब फरमा, मुल्क पाकिस्तान को इस्तेकाम नसीब फरमा, हमारे मुल्क की सरहदों की हिफाजत फरमा। या रब्बुल आलमीन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हाय मुतहरा के मुताबिक हमें जिंदगी गुजारना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाईन बिरहमतिक या अरहम।
अपनी जगह पर बैठे रहे। उसके अलावा जो हमारे VVIP लोग हैं उनके लिए खाने का जो बंदोबस्त है वो ये सामने जो बाबू नजीब साहब की बिल्डिंग है वहां पर लगा दिया गया है खाना। और उसके अलावा जो हमारे मेहमान हैं दूसरे शहरों से आए हुए उनको पर्ची दे दी गई है उनके हाथ में। सो जिन जिन लोगों के हाथों में पर्ची है बराए मेहरबानी हमसे तावन करें और जो है ना वो इस जो बर्फ कड़ाई है इसके पीछे उनके लिए जो डाइनिंग टेबल सजाया गया है। मीरपुर उत्थे बड़ा प्यारा इवेंट असा इंजॉय किया जनाब पेट्रोल पंप बट कड़ाई जिसकी MS फूड्स क्या ही बात है क्या ही ओपनिंग सी। हूँ असा जनाब मीरपुर थोड़ा जे कम है यूके लेने इतना कोई गिफ्ट पे वे वो जो असा चुकने यूके भेजने असा है एक तीन दो शिकार किए जाते बस हूँ जुले अगे साढ़े एक संघी है उन्होंने सा ड्यूटी लाई उड़ी सी ऑलरेडी पहले ही उन्हें पिकअप करी कि सारा समान था वो पिक करने फिर अगला सीन तकने क्या बनना कि आ गए जिनका था इंतजार। माशाल्लाह सारी जनाब आपको डिस्टर्ब किया आप सोए हुए थे असा आए हुए जनाब जट्टी ढेरियां क्रॉस उपर इफ्तिताह सी ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਨ ਕਰਨੇ ਅਸਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਏ ਤਾਂ ਦਨਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਇਨਾਮ ਮਾਰਨੇ ਪਏ ਫੋਨ ਇਹ ਦਨਿਆਲ ਖਾਲਸ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਹਨ ਜੀ ਜਾਵੇਦ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਨਿਆਲ ਖਾਲਸ ਸਾਹਿਬ ਅੱਧ ਅੱਧ ਮਾਰੋ ਲਿਓ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਮਿਲੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਰਹੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਵੇਦ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ बहुत बड़ी जिम्मेदारी लाई सी यूके लेने गिफ्ट को असा तक लेट हो गए लेकिन इन्ना बेचारे तू पिकअप किया सारा मामला को रिसीव करने फिर अगला सीन फाइनली जनाब है तकी सकने खाड़ी ना बैग सा पछाने किंदा होसी ता आई गया ता जनाब दनियाल भाई भी नाल है असा अपने जनाब परफ्यूम चुकी किंदे जेड़े यूके जासन क्या हाल है दनियाल सर मैं जी यूके ही है यूके है ता हुन अगली कहानी दसो छोड़ो यूके की हुन अगली कहानी दसो केड़े पास जुलो क्या खासो आज रोटी खासो या फास्ट फूड ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਹੈ ਭੁੱਖ ਵੱਡੇ ਲੱਗੀ ਸਰਾ ਕਿ ਦਰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਾਵਤ ਸਿਡਨੀ ਪੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਜਿਨੋ ਜਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਲੈ ਉਧਰ ਲੈ ਜੁਨੇ ਚਲੋ ਜਨਾਬ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਨਾ ਚੌਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ।